भाई बंदे मेरी लाइफ स्पैम हो रहा है भाई। बंदे सोच रहे हैं मैंने इसे लड़ाई होगी हमारी गिल्ड से, किक कर दिया। अभी मैं पहुंचूंगा कोर्ट में भी जल्दी आईडी को लेकर। वो सालो तुमको मेटा वाला तुमको बताता हूं मैं जल्दी भाई। ओए होए ओए भाई ये क्या है? इट्स प्रीटी श्योर दैट रोमन सी इज हैकर। रिपोर्ट कर दिया अगर बैन आता है तो हैकर। भाई मीना सरो कभी फेयर नहीं हो सकता है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के? तो आज हम फ्री फायर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। तो मैं बिंजित गेमिंग के बारे में होने वाली है। तो आपको बिंजित गेमिंग का एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसपे 100 के फॉलोवर्स थे, वो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया, जिससे 2012 पर एक वीडियो भी अपलोड की थी। तो होता है कल जब बिंजित गेमिंग अपने चैनल पर लाइव कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बताते हैं कि अगर वो $1200 खर्च करते हैं तो इनका वो इंस्टाग्राम अकाउंट वापस भी आ सकता है। चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिजनेस इंपर्सनेट है, वो किसी से भी नहीं खोला, ट्रस्ट मी। उस पे मेटा का एक्स एम्प्लॉय भी काम कर रहा है भाई। जब तक पैसे नहीं देगा, $1200 वो मांग रहे, $1200 उठा के देना है, आईडी खुल जाएगा भाई। लेकिन मैं क्यों दूं भाई $1200 जब मैंने कुछ किया ही नहीं? हम क्यों भाई? अबे ऐसा नहीं है, दे नहीं सकता हूं, दे दूंगा, बट मैंने किया क्या? मेरे को पता होना चाहिए ना, मैं कुछ गलती नहीं करूंगा। कल को फिर से मेरा आईडी जाएगा, फिर क्या फिर से $1200 दूंगा क्या? $1200 इज लाइक एक लाख रुपए भाई। $1200 मतलब कितना? एक लाख। एक लाख भाई, दिस इज लाइक, इट्स लाइक शिट ब्रो। तो मैं क्यों दूं पैसे भाई? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं भाई। अब मेरी कुछ गलती होती मैं उठा के दे देता। मैं अभी ना अभी पैसे डाल दूंगा ना, शाम को आईडी खुल गया होगा, ठीक है। बट यार मैं ना कभी हराम तरीके से पैसे कमाए, ना ही मैं किसी को कमाने दूंगा। मैं तो नहीं दूंगा भाई, मैं तो लड़ूंगा मस्त एकदम। अभी मैं पहुंचूंगा कोर्ट में भी जल्दी आईडी को लेकर। वो सालो तुमको मेटा वाला तुमको बताता हूँ मैं जल्दी भाई। आईडी तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, और पैसे मैं तुम लोगों को ऐसे दूंगा नहीं। तो बाकी ने बिंजित गेमिंग का रिएक्शन तो देखी लगा। चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तुम्हारी क्लासिक के बारे में होने वाली है। तो आपको पता है नेस्टी नेस्टा ने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर नेस्टी विशाल के साथ 1v1 किया था, और उन्होंने एक चैलेंज रखा था कि अगर वो मैच हारते हैं विशाल तो वो गिल्ड लीव कर लेंगे, जिसके बाद वो मैच हारने के बाद वो गिल्ड लीव कर लेते हैं। जिसके बाद बहुत से बंदे क्लासिक के चैट में स्पैम करते रहते हैं कि नेस्टी विशाल ने क्यों नेस्टी गिल्ड लीव की। तो सबको रिप्लाई करते हुए कल क्लासिक अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिस पर वो इस पर रिएक्ट करते हैं। चलिए आपको सब क्लिप दिखाते हैं। फिर डॉको भी आ गया विशाल, में से बुलाता हूँ, रुको। ये भाई ड्रामा बना रखा है, बुलाओ उसको। आ गई माल आ गया। हेलो विशाल, आ गया। हेलो, हाँ। तू भाई एक बात बता मुझे, तू गिल्ड में अभी क्यों नहीं है? पहले तो वो बता कि मेरे पे डेली स्पैम हो रहा है चैट में, वीडियो में, क्या क्या हो रहा है ये? अरे वो रेटलर भाई की वीडियो बनानी थी, तो उसकी वजह से वो चैलेंज था, तो गिल्ड लीव की थी तब। रेटलर आजाद भाई को उठाओ। तूने मतलब जब गिल्ड लीव कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, रेटलर ने तुझे बताया तो होगा भाई कि कैसी वीडियो है, क्या है? हाँ बताया था ना। हाँ तो तूने मेरे को एक बार बताया कि क्लास भाई में गिल्ड लीव करनी पड़ जाएगी, ये वो। तूने एक बार पूछा मेरे से गिल्ड लीव करने से पहले? अरे अपने ही गिल्ड का बंदा है तो कर दी यार। कर दी? गजब बेइज्जती है। तो ही तू जाके कुछ भी बोल लेगा तू कर देगा? तूने एक बार मुझे बता देता, कर दी। चल अच्छा है, तेरी गिल्ड का बंदा है, तूने वीडियो कंटेंट बनवा दिया, ठीक है। तो मुझे बता तो दे, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दे कि भाई गिल्ड लीव कर रहा हूँ यार, अपने ही बंदे की वीडियो बनानी थी यार, इसलिए। अब कल को डाकू भाई जब लीव करेंगे तो फिर बता देना, तो इन्फॉर्मेशन तो दो। एनएक्सटी को तुमने ऐसे हलवा समझ रखा है? वही भाई, जब मन करता आ जाते हैं, जब मन करते चले जाते हैं। मजाक है क्या भाई? ये कोई चोरी कर रहा है। पहले रेटलर भी गया था, अब रेटलर बंदों को निकलवा रहा है, ऐसे तो भाई हो गया, फिर बन गई वीडियो। क्या कर सकते हैं अब, वीडियो ग्रुप में इन्फॉर्म कर लेता ना एक बार इनको। भाई बंदे मेरी लाइफ स्पैम हो रहा है भाई। बंदे सोच रहे हैं मैंने इसे लड़ाई होगी हमारी गिल्ड से, किक कर दिया, अरे ये तो भाई वीडियो बनवा रहे हैं भाई। बता दिया कर भाई आगे से, ये सब क्या है भाई? सॉरी यार, अब से नहीं होगा ये। तो बाकी अपने क्लासिक रिएक्शन तो देखी लगा। तो फाइनली जिसके बाद क्लासिक एनएक्सटी विशाल का 1v4 गिल्ड टेस्ट लेते हैं, और जिसे एनएक्सटी विशाल पास करके एनएक्सटी गिल्ड में कुछ दिन में एंट्री कर भी लेंगे। तो चले बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो एलेक्सा लाइव के बारे में, तो फाइनली एलेक्सा कल अपने चैनल पर लाइव कर रहा होता है, जिसके अंदर उन्होंने अपने लाइव पर कल CS9 में 100 की स्ट्रीक कंप्लीट कर ली है, जिस पर उनका क्या रिएक्शन होता है चलिए आपको दिखा। Bye.
भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन, 100 किस्ती भाई लोग, एक्स्ट्रा प्लस, ओके आई एम द गेम चैंप, 100 बुया, 100 बुया, बुल्ली यस भाई, सपना पूरा भाई लोग, भाई सच में यार गाइस 100 किस्ती गाइस, ये एक इम्पॉसिबल चीज है, तुम ये मत सोचो ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है गाइस, छोटी सी गलती के चक्कर में हार जाते हैं मैच, बट दो मैच में तेरी स्टिक टूट जाएगी, अबे चुप चुप, अबे गाइस यहाँ पे भी टूटे गाइस, कम से कम बनी ना गाइस, उसमें खुशी मनाओ यार गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन स्पैम करो यार, ये क्या है टूट जाएगी वो तो गाइस, मुझे ही पता है टूटना तो है ही, हर दिन किसी ना किसी चीज को तो जाना ही रहता है गाइस, वो चाहे स्टिक हो चाहे इंसान हो चाहे कोई हो चाहे भगवान भी क्यों ना हो गाइस, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू सो मच यार। तो बाकी अपने एलेक्सा का रिएक्शन देखी जाएगा, चलिए बढ़ते हैं यूनिवर्स की तरफ, तो नॉनस्टॉप गेमिंग के बारे में होने वाली है, तो आपको तो कल नॉनस्टॉप गेम चैनल पे एनजे से मीना के स्क्वाड का वर्सेस हो रहा होता है, जिसके अंदर मीना के स्क्वाड से डिजेक्सो की स्क्वाड खेलनी होती है, तो आपको तो लास्ट टाइम जब भी डिजेक्सो की स्क्वाड खेलने आई होती है तो उसके स्क्वाड का कोई ना एक प्लेयर है उसके करते पकड़ा गया, उसकी आईडी बैन हुई है, जब कल डिजेक्सो की स्क्वाड खेली होती है तो उसके स्क्वाड का एक प्लेयर रियल रोमांसी वो ओनली रेड नंबर्स मार रहा होता है, जिसके रिलेटेड बहुत से बंदे नॉनस्टॉप गेमिंग के चैट में कह रहे होते हैं ये बंदा हैक यूज कर रहा है, तो इन सब पर नॉनस्टॉप गेमिंग रिएक्ट करते हुए कहते हैं चलिए पहले आपको सब क्लिप दिखाते हैं, अलग ही लेवल खेल रहे हैं अपोनेंट्स भी, चलो भाई एक बार सभी को रिपोर्ट मार के देख लेते हैं, क्योंकि डिजेक्सो की स्क्वाड में हर बार एक बंदे का अकाउंट बैन हो जाता है, दो तीन बार ही खेले हम लोग मेरे को लग रहा है अभी तक, और दो तीन बार में एक आधा बंदा चला ही जाता है, वैसे तो सारे बंदे चलिए स्मूथ अकेले प्लेयर रोमेंसी ब्रो, हेलो 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 या रोमेंसी ब्रो, डोंट यूज दिस स्टेयर्स ब्रो, डोंट गो अप, ओके वी डोंट लाइक वी प्ले ओनली ग्राउंड फाइट, ओके ब्रो, ओके नो प्रॉब्लम, ओके ओके भाई हैकर, अरे हैकर नहीं है भाई, ऊपर से ही तुम्हारा है बंदे ने, अनोश ब्रो व्हाई यू लाइक ब्रो, इट्स प्रीटी श्योर दैट रोमेंसी इज हैकर, भाई देखो पीसी वगैरह तो मैंने चेक नहीं किया, हेलो रिपोर्ट कर दिया, अगर बैन आता है तो हैकर, नहीं आया तो फिर तो भाई पीसी चेक पे ही पता चलता है, इसका नहीं पता गाइस, देखो जो हैकर है उसका मेरे को किसी पे मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा सकता जब तक श्योर ना हो कि ये बंदा हैकर है फेयर है क्या है, वाइट खेला था हमारे अगेंस्ट में, वाइट का अकाउंट बैन हो गया, पहले भी उसके कई अकाउंट बैन है उसका बता सकते हैं हम लोग, इवन जिस टूर्नामेंट में चलो छोड़ो यार, मैं तो 10 बार बता चुका हूँ भाई, डेली डेली बताना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, तो पर्सनल टारगेट हो रहा है उसमें, उन बंदे ने हाइट से मारा है तो पॉसिबल है भाई, हाइट से पॉसिबल है, ओए होए, ओए भाई कनेक्शन तो यहाँ पे इस राउंड में भी अलग ही लेवल बंदे ने यहाँ पे लगाए हैं, तो देखते हैं 10 फिनिश यहाँ पे प्लेयर निकाल भी चुका है, भाई आप लोगों ने कहीं हैकर देखा है क्या जो आप लोग इतने बंदे चैट में कर रहे हो, क्योंकि हमारे टाइम तो पहले खेला है कुछ ऐसा था नहीं, हमारे अगेंस्ट तो फेर ही दिखा है मेरे को जब भी खेला है बंदा, बाकी आज भी रिपोर्ट कर दिया, हर बार रोमेंसी तो नहीं बट कोई ना कोई अदर निकल जाता था, इस बार क्या लगता है कौन हैकर निकलेगा डिजुक्सो की स्क्वाड से, ओए होए यूएमपी, ये देखो नॉर्मल ये वाले राउंड में तो भाई नॉर्मल ही लग रहा है यहाँ पे यूएमपी, भाई पीसी चेक करो कोई राउंड में हटा देता हो यार, ये तो देखो ये तो आजकल है, मैं सुनने में ही आ रहा है कि भाई चीजें सिर्फ शॉर्टकट से भी हो रही है, इधर क्लिक करो उधर के क्लिक करो, कब ऑन करना है कब ऑन ऑफ करना है, बट ऐसे भी किसी को नहीं बोल सकते ना सीधा, ओके भाई मीना सर्वर कभी फेयर नहीं हो सकता है भाई, भूल जाओ मीना सर्वर, बट थोड़ा डिजुक्सो पे उम्मीद है कि जो बंदा बैन हो रहा है उसको गिल्ड से ही निकाल दे रहा है बंदा, मीना सर्वर में जब तुम्हें पता है जो बंदा जिसको आप लोग ही अपने इंडिया सर्वर से ही हाइप देते हैं वो बंदा तो सारे बंदे यूज करेंगे ना, जब पता है भाई उसको इतना सपोर्ट मिलता है ये सारी चीजें,
यूज करने के बाद में गेमिंग तो बाकी पे नॉन स्टॉप गेमिंग का रिएक्शन देखी लोगों। तो पहले आपको इस पे गेम प्ले देखने के बाद क्या लगता है, क्या बंदा हैक यूज कर रहा है या फिर नहीं, आप लोगों को जो भी लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।